नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरनम जहां शेख। बुने की शुरुआत बड़ी खबर से। पंचकुला से खबर, नाथ सिंह सैनी ने ली दूसरी बार सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। गौरव गौतम ने ली मंत्री पद की शपथ। अनिल विज, कृष्णलाल पवार समेत कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तस्वीरें लगातार आप न्यूज वन इंडिया पर देख रहे हैं अनिल विज शपथ लेते वक्त। और आपको बता दें कि इस बीच जो है तमाम दिग्गज, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या एनडीए के घटक दल के तमाम नेता हो, तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद नजर आए। नाथ सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा का कमान संभालते हुए, दूसरी बार हरियाणा का सीएम उन्हें बनाया गया है। और आपको बता दें कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। और साल यही है जब मई के महीने में नाथ सिंह सैनी ने पहली बार हरियाणा की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया था और आज अक्टूबर में एक बार फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी ने ली है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचकुला से तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है तमाम दिग्गज मौजूद, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। और जैसे ही उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली नायब सिंह सैनी ने, उसके बाद सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रुख किया, पीएम मोदी का आभार प्रकट किया, पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आए नायब सिंह सैनी। उसके बाद वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे, उसके बाद उनकी कुछ बातचीत भी हुई। तो भारी संख्या में इस वक्त वहां पर तमाम दिग्गजों का हुजूम है, लोग पहुंचे हुए हैं और भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह किया गया। गौरव गौतम ने मंत्री पद की शपथ ली है। 13 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें अनिल विज, कृष्णलाल पवार समेत के कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह को बिल्कुल खास बनाया गया क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। एनडीए घटक दल के नेता भी मौजूद रहे, एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। अनिल विज ने मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया है। अनिल विज, कृष्णलाल पवार समेत कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो पंचकुला से खबर, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि तीसरी बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल किया है। और इस बीच जो है बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया और कई ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में 20 से ज्यादा उन्होंने रैलियां की और यही कारण कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से उभर कर जनता के सामने आई। तो तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार हरियाणा में बनाई है और दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके शपथ समारोह में तमाम दिग्गज मौजूद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अब सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दिग्गज मौजूद हैं। लगातार हम एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दशक में अंबाला से राजनीतिक करियर की यहाँ पर शुरुआत की और 1994 में एमएल खट्टर के साथ भाजपा में शामिल हुए नायब सिंह सैनी। आपको बता दें कि जिला युवा मोर्चा महासचिव और जिला अध्यक्ष की उन्होंने कमान संभाली और आज उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।